नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के सियासी हलचलों के बीच आज पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा ने अपने सैकड़ों समर्थकों संग बीजेपी छोड़ दी। पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक इससे पूर्व भी बसपा में रह चुके हैं। उन्होंने बसपा के सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद की मौजूदगी में बसपा ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर पिछड़े वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा वर्तमान में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष हैं और गाजीपुर में अपने बिरादरी के गद्दावर नेता माने जाते हैं। एस न्यूज का आज श्री उमाशंकर कुशवाहा जी, जो माननीय पूर्व विधायक हैं, उनके साथ हजारों लोग, बहुत से बीजीसी सदस्य हैं, बहुत से प्रधान हैं, उनका भतीजा जो कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं, तमाम साथ जिला पंचायत के सदस्य हैं, तमाम साथियों ने जो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी झटका है। और इसे साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर पिछड़ गई है और गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। पटक इसको हम नहीं कह सकते, ये तो एक ऐसे सामाजिक लीडर हैं, एक कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से जुड़ करके काम करते हैं। उनकी घर वापसी हुई तो पार्टी में रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों का बड़ा ही उपेक्षा किया है, और व्यापारियों की भी उपेक्षा किया है, सामान्य वर्ग के लोगों की भी उपेक्षा किया है। जिससे जिसके समझ में जब आ जा रहा है, वो तुरंत वो बहुजन समाज पार्टी को ही अपना अच्छा एक अच्छा अच्छी पार्टी समझ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में वो सम्मिलित हो रहे हैं। वापसी क्यों सही है, जाती हूँ, राजनीति में परिस्थितियाँ कुछ होती हैं, आदमी कहीं बाएं दाएं कुछ हो जाता है, लेकिन सचमुच स्वाभिमान के आगे कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये परिस्थिति बनी, हम लोग गए, लगा उस समय प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी थे, हम लोगों को लगा कि प्रदेश में पिछड़े समाज का, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज की है को आगे करें, यानी पिछड़े समाज के लोग, इस देश में जहां 54% हमारे पिछड़े समाज की आबादी है, उसका नेतृत्व केशव जी कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक बार लगा हो सकता है कि इनका कद बढ़ेगा, हम लोग जाने से तो पिछड़े समाज का भला होगा। लेकिन हमने भी 2 सालों में जो देखा है, मुझे पिछड़े समाज के कहीं भी किसी मुद्दे पर आप भी देखते होंगे, मीडिया में आता ही है, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या कहीं यूँ कह लें छात्रवृत्ति है, जो भी कह लें, निश्चित रूप से पिछड़े समाज को ठगा सब मैंने महसूस किया। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि मैं, चूँकि बहुजन समाज पार्टी से हम लोग राजनीति शुरुआत किए थे, बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों की नेता, उनका जो सब समाज को लेकर के जिसकी संख्या जिसका हक जितना जो है मैंने देने काम किया था, उनके साथ हम लोग लंबे समय तक काम किए थे, थोड़ी भटकावट जरूर हुई, लेकिन मुझे घर ऐसा लगा यही समाज का मैं, क्योंकि साथियों सही है, नमक रोटी किसी को कमी नहीं है, लेकिन हम समाज के लिए कुछ चलने के लिए नौकरी छोड़ के आए थे कि समाज के लिए 2 कदम चलेंगे, लेकिन समाज का हित ही हम नहीं कर सकते तो फिर राजनीति करना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमने पुनः अपने घर में वापसी किया कि हम यहाँ रह करके अपने लोगों के हित। गाजीपुर से एएस न्यूज़ के लिए आरिफ पारसी की रिपोर्ट।